नमस्कार, नवतेज टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं ललित चौधरी। और गुजरात के अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर श्री बीजलबहन पटेल से आज जानते हैं, क्योंकि यहां पे फूड जोन बन रहा है और लॉ गार्डन पे, और जो भी विकास हो रहा है, एक छोटे राज्य का जितना बजट होता है, एक गुजरात के अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में इतना बजट होता है, तो जानते हैं आज क्या कहना चाहती हैं बीजलबहन। नमस्ते, नवतेज टीवी में आपको स्वागत है। मैडम, आप लॉ गार्डन पर फूड जोन बना रहे हैं, फूड जोन का कौन सा लुक आप देने जा रहे हैं, इसके बारे में बताएं। मैं आपको बताना चाहूँगी और आपके माध्यम से सभी को जानकारी देना चाहूँगी कि जहाँ पर पहले लॉ गार्डन खाने पीने का जो बाजार बोला जाता था, और वहाँ जो कॉरपोरेशन का रोड है, वहाँ पर इनलीगल कंस्ट्रक्शन हुए थे और वहाँ जितनी भी फूड वाली लॉरिया लगी थी, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दबाड़ ही था। जो कॉरपोरेशन का रोड था उसको हमने पहले खाली करवाया है, और कॉरपोरेशन की अपनी जो जगह है वहाँ हम एक नई डिज़ाइन की तरफ से एक हैप्पी स्ट्रीट बनाने जा रहे हैं। वहाँ खाने पीने की लारी नहीं होगी, वहाँ एक वैगन के रूप में वो जो लॉरी लगती है वो होगी, और उसका हमने टेंडर किया हुआ है, और टेंडर फ्लोट होने आचार संहिता के बाद उसका टेंडर लगेगा, और जिसको भी उसमें हिस्सा लेना है वो टेंडर के रूप में से अंदर इन्वॉल्व होगा। और वहाँ ग्रीन एनवायरनमेंट की हमें बहुत चिंता है, तो वहाँ प्लांटेशन भी होंगे, पार्किंग भी होगा, जो कस्टमर आते हैं उनके लिए वेटिंग भी होगा, उनका पार्किंग की भी होगा, वहाँ बैठकर वो खाना खा सके। ये सब चिंता करने के बाद हमने वो बहुत अच्छी डिज़ाइन बनाई हुई है, और उसका नाम हमने लॉ गार्डन हैप्पी स्ट्रीट रखा है। और ये अगर लोगों को भी अच्छा लगता है और सबका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, तो आने वाले दिन में हम हर जोन में ऐसा हैप्पी स्ट्रीट बनाने जा रहे हैं, लेकिन पहला ये पायलट प्रोजेक्ट है जो लॉ गार्डन में हैप्पी स्ट्रीट बनने जा रहा है। म्युनिसिपल के अंदर में आपने काफ़ी काम किए हैं मैडम, मैंने देखा भी हूँ और देख रहे हैं, गुजरात के जो लुक है वो काफ़ी बिजनेसमैन से जुड़ता है। आपने उस तरीके प्रयत्न भी किए हैं, आपकी सरकार भी किए, जिस तरीके से अटल एक्सप्रेस चालू किए थे अपना कांकरिया में, लेकिन उस टाइम पे मॉर्निंग वॉक के टाइम पे सीनियर सिटीजन हो या कोई महिला हो या जेंट्स हो, उनको तकलीफ पड़ता था, फिर पे सिस्टम था, फिर बाद में कुछ काफ़ी ये सब आया, तो क्या इसमें भी पे सिस्टम होगा क्या? नहीं, इसमें तो सिर्फ खाना खाने जो लोग आते हैं वो नहीं, मॉर्निंग वॉक की बात। अच्छा, मॉर्निंग वॉक तो जो गार्डन में है तो वहाँ तो कुछ पे सिस्टम नहीं है। कांकरिया में जो आते हैं वॉकर्स आते हैं 5 से 7 बजे, तो वो फ्री है। 7 बजे के बाद जो मॉर्निंग आवर्स का टाइम खत्म हो जाने के बाद वो अपना टिकट लेते हैं, और जो हैप्पी स्ट्रीट है उसमें तो अभी तक कुछ पे सिस्टम नहीं है। जो टेंडर के तरफ से आए, टेंडर के हिसाब से जो आएंगे उनको टेंडर भर के वहाँ वैगन लगाने की अनुमति दी। अच्छा, पहले जो लगाए थे, जो यहाँ पे जो जनता थे फूड जोन के लिए, जो खाना पान का सामान रखे थे, तो क्या उन लोग को अब मिलेगा कहीं पे रहने का जगह क्या कि नहीं मिलेगा? उनको कुछ अपनी मिल्कत का तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपनी नहीं, तो उनकी अपनी नहीं थी, वो कॉरपोरेशन का रोड था, और कॉरपोरेशन ने जो नया स्ट्रीट बनाने जा रही है तो फिर उनको तो टेंडर के हिसाब से ही आना होगा। अगर इनकी एक दुकान थी या 10 दुकान थी, कुछ मालिकी का नहीं था, वो सब कुछ कॉरपोरेशन का था, सिर्फ उन्होंने वहाँ दबान किया हुआ। नहीं, पहले ऐसा हुआ था जो फुटपाथ पे जो दुकान कहीं पे था, जैसे मान लीजिए आपका महाराणा प्रताप जो रास्ता है एलिस ब्रिज के आगे जो शिवरंजनी रोड पे, तो उन लोग को आप लोग रविवार में फुटपाथ पे रखने के लिए दिए थे, तो क्या उस तरीके नहीं, ये सिर्फ टेंडर के हिसाब से ही आएंगे, टेंडर के अलावा और किसी को वहाँ खड़े रहने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। दूसरी बात मैडम, अभी क्या है जो कि पानी का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, और आपका टैंकर हर जगह पे दिख रहा है जो आप लोग सप्लाई दे रहे हैं, तो उसके लिए पानी के लिए आने वाले दिन में संकट, जिस तरीके से आप गुजरात के सीएम भी बताए हैं जो पानी का है निवारण करेंगे, तो क्या लग रहा है आप आने वाले दो महीने? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने। मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगी कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में पीने के पानी की कोई भी दिक्कत नहीं है, और ये 19 नहीं 20 नहीं आने वाले 2040 तक पीने के पानी की एक बूंद की भी तकलीफ नहीं होगी, ये मेरा दावा है। और जो बात आप टैंकर की बता रहे हैं, हर जगह पानी सप्लाई किया जाता है वो यूज़ करने का, और जो यूज़ करने के पानी की जो बात आपने बताई कि जहाँ टैंकर जाती है किस जगह पर नेटवर्क अगर अभी तक नहीं पहुँच सका है, और अगर जो पानी आता है उसमें कहीं जगह ड्रेनेज और पानी की लाइन में
इकट्ठा हो जाने की वजह से जो पॉल्यूशन रहता है उसका काम अगर कहाँ कुछ चलता है तो तब तक हम वहाँ टैंकर प्रोवाइड करते हैं, बाकी सब जगह पर तो कॉरपोरेशन ने जितना 1250 ml पानी का सप्लाई हर रोज का है और आने वाले दिन में पीने के पानी की कोई संभावना तकलीफ भी नहीं होगी, वो मेरा दावा है। दूसरी बात मैडम, तीसरी बात एक उभर के आ रहा है, जो अभी सुजलम सफलम में आप लोग मिट्टी का जो खनन कर जो तालाब को साफ करेंगे, तो तालाब साफ करने के लिए तो काफ़ी दिनों से सुजलम सफलम का योजना चल रहा है, लेकिन इस बार भी चल रहा है कुछ, लेकिन ये मिट्टी जब खोद के ले जाते हैं तो ये आप लोग टेंडर में देते हैं या किसी को ले जाने देते हैं? ये मैं बात बताऊं, जो टेंडर वाली बात आपने बताई वो एक तंत्र के हिसाब से की जाती है और उनका जवाब तो आपको कमिश्नर ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर भी सुजलाम सुफलाम की योजना बनाकर हमने बहुत सारा काम किया था और इस बार भी फर्स्ट में गुजरात के स्थापना दिन के दिन माननीय मुख्यमंत्री के हाथों उस काम का स्टार्ट हो चुका है और अभी कॉरपोरेशन में भी आने वाले दिन में वो काम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थे अपना अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर श्रीमती बीजल बहन पटेल, और काफ़ी सराहनीय बात किए और जनता के लिए काफ़ी और काफ़ी लुक देंगे आने वाले दिन में। अहमदाबाद में एक बहुत सुनहरा चीज दिखने को मिलेगा और जगह जगह पर जो है साफ सफाई के लेकर के भी काफ़ी चले हैं और काफ़ी जो गुजरात के अंदर में पहले से भी सफाई के महत्व में है और प्रधानमंत्री का जो स्वच्छता अभियान में काफ़ी ये लोग तन मन धन से जुड़े हुए हैं। तो देखते रहिए नवतेज टीवी, देश दुनिया के लिए बने रहिए। ललित चौधरी अहमदाबाद से। नवतेज टीवी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।